देखो, 12th एग्जाम खत्म हो गया। कैसे हो तुम लोग? सब लोग बहुत बेहतरीन हो गए। खूब इंजॉय कर रहा हूँ घर पे, खा पी गया, बड़ा एकदम शीतल हो गया। अच्छा है, समय है, खूब खा पियो, खूब मस्ती करो, खूब इंजॉय करो। अभी क्या है कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज है कि सर 12th के बाद क्या करना चाहिए, और बहुत लोग हमसे मिलने आए और पूछे भी कि सर कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। अभी 12th वाले से काफी कंफ्यूज है, कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन लाजमी है, और कभी हम भी कंफ्यूज होते थे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपका दिनकर सर एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। कोशिश करूंगा कि आज कंफ्यूजन दूर हो, कुछ नया चीज बताएंगे आपको, कुछ नया चीज की क्या 12th के बाद क्या बेहतर करोगे जो तुम्हारा लाइफ में हमेशा फ्यूचर में अच्छा रहेगा। तो ज्यादा रहे, 2-3 मिनट का टाइम रहेगा, सुन लो अभी ध्यान से। देखो, 12th के बाद अगर तुम किसी, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर अपने 12th अच्छा से पास आउट किया है, जे का एग्जाम दिया है, अगर आपका NIT IIT में होता है तो अब तो सोने पे सुहागा, ले लो एडमिशन, है ना। NIT IIT कोई भी कॉलेज में मिलता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है बीटेक करने के लिए। कुछ प्राइवेट कॉलेज जैसे है, BIT है, IIIT है, इस तरह से अगर मिलता है तो उसमें भी जा सकते हो। उसमें भी अच्छा सा उसका ट्रैक रिकॉर्ड, कैंपस रिकॉर्ड ठीक होता है, जा सकते हो। भूल के भी कोई भी अहरे गहरे प्राइवेट कॉलेज में मत जाना, ठीक है। भूल के भी कोई भी अहरे गहरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करना। सिर्फ पैसा खर्च होगा, 7 लाख 8 लाख बाद खर्च होगा, बीटेक का डिग्री मिलेगा, कोई वैल्यू उसका नहीं रहेगा, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हारे बीटेक की डिग्री। उससे अच्छा है डिप्लोमा कर लो, है ना, डिप्लोमा कर लो। मन है डिप्लोमा कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लो, उसके बाद लेटर एंट्री से बीटेक कर लो। हाँ, बहुत एकदम मस्त आइडिया। अगर बीटेक करने का मन है, दोनों चीज रहेगा, पॉलिटेक्निक भी रहेगा, बीटेक भी रहेगा। लेकिन एरो गैरो कॉलेज से बीटेक बिल्कुल मत करना, है ना, लाइफ में पछताने का वक्त कुछ नहीं मिलेगा, सही है ना। तो बीटेक सोच समझ के, NIT मिलता है, जेई के थ्रू NIT मिलता है, IIT मिलता है, कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट कॉलेज मिलता है, उसमें खड़े। हाँ, बीटेक भी करना। अभी सबसे बेस्ट ब्रांच, सबसे बेस्ट डिमांड होता है कंप्यूटर साइंस। देखो, 2-3 का ऐसा ब्रांच है जो हमेशा लाइफ टाइम हमेशा अच्छा डिमांड रहेगा। कंप्यूटर साइंस तो टॉप पे रहता है, मैंने भी किया हुआ, बीटेक किया, एमटेक दोनों किया हुआ, तो कंप्यूटर साइंस में टॉप पे रहता है। कुछ लोग हैं सिविल को बेकार मानते हैं, है ना। सिविल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ब्रांच है, सिविल मैकेनिकल ब्रांच। IIT में चले गए, अगर IIT में जे एडवांस को, अगर IIT में किसी भी IIT एडमिशन होता है, कुछ IIT जो है एरोस्पेस करवाता है, एरोनॉटिकल करवाता है, ऑटोमोबाइल करवाता है, ये सब बहुत अच्छा ब्रांच होता है। लेकिन अगर मान को चलो IIT में नहीं हुआ, कुछ छोटे मोटे अच्छे कॉलेज में मिल गया बीटेक, याद रखना सिविल जो होता है गोल्ड ब्रांच होता है, गोल्ड, हमेशा इसका डिमांड विकास होता है। गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट में, SSC में, रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम समय खूब डिमांड होता है सिविल वाले का, है ना। जल विभाग में, जल संसाधन विभाग में, PWD रोड जो बनता है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सिविल वाले खूब डिमांड होता है। और मतलब इसमें जमीन वाला सब जो होता है, भू राजस्व विभाग सब जो होता है, सब में सिविल का डिमांड करते हैं। तो सिविल ब्रांच हमेशा देखना, कोई अगर मान लो तुम्हारा मन नहीं है किसी भी कॉलेज से बीटेक करें, लेकिन बीटेक करेंगे, बीटेक करने का मेरा कम मन है, कुछ कर नहीं दिया बीटेक करने। तो ब्रांच मेरे हिसाब से लेना, कोई सा ब्रांच लेना, सिविल लेना, सिविल लेना, हमेशा सिविल लेना, है ना। आप कुछ भी बोला गया सिविल क्या है, एकदम घटिया ब्रांच होता है, घटिया ब्रांच है, गोल्ड ब्रांच होता है। नहीं तो, है ना, एक मैं बता रहा हूँ, एक फील्ड बता रहा हूँ, वह फील्ड हमेशा माइंड में याद रखना। अभी करोगे 4 साल के बाद 70 लाख, 70 हजार, 80 हजार का मोटा सैलरी से तुम जॉब मिलेगा आपको, है ना। कुछ भी नहीं होगा तो PCM करके 12th के बाद एरोना, इसका क्या बोलते, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, है ना, करवाता है, कुछ दिल्ली में, कुछ पटना में भी कॉलेज सब है जो इसका कोर्स करवाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का। 3 साल का डिप्लोमा होता है, एकदम इतना मस्त कोर्स है, ठीक है, बहुत कम लोग करता है, एकदम अच्छा से करना है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। 3 साल का पास करके निकलोगे, देखना एकदम 70-80 लाख नौकरी में, कहीं भी किसी भी एयरलाइंस की कंपनी में मिल जाएगा जॉब, बहुत अच्छा जॉब होता है। अगर PCB वाले की बात करें, फिजिक्स से बायोलॉजी वाले की बात करें, अगर आपका नीट निकल गया, नीट तब तो खैर बहुत अच्छा है, नीट में किसी भी कॉलेज में आकर एडमिशन आप ले सकते हो। अगर नीट नहीं निकलता, सबका नीट नहीं निकलता है, कहाँ सीट, सीट ही बहुत कम है ना, सबको थोड़ी हो जाएगा सरकारी कॉलेज में। नीट नहीं निकलता तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से भाई MBBS मत करना। पप्पा के पास खूब पैसा है, खूब पैसा है पप्पा के पास, तब 35 लाख 40 लाख, अभी तो करोड़ों करोड़, है ना, लगता है डोनेशन लगता है, जे के कर रहे ना किसी प्राइवेट कॉलेज में MBBS से निकलेगा,
वही होता है कि रोड साफ डॉक्टर बन के निकलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मत करना, सरकारी में तो ठीक है, टाटा बाय बाय नीट को। बहुत सारा कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर करें ना, एग्रीकल्चर में भी डिपार्टमेंट सब, हॉर्टिकल्चर है, एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है ना, फिशरी साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है यार, बहुत सारा में कर सकते हो। अरे अभी तो ऐसा ऐसा हाल हो गया कि अभी हॉर्टिकल्चर बागवानी सब जो होता है उसमें गवर्नमेंट का वैकेंसी सब निकलता है, उसके वैकेंसी के बराबर बच्चे भी मतलब वो ये पूरते हैं उसको, समझिए क्या हाल होता है। बहुत कम लोग कोर्स करता है, अगर बायोलॉजी है इंग्लिश मिला ठीक है, नहीं मिला तो आप ये इसके थ्रू जा सकते हो, है ना, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब कर सकते हो। आईसीआर के थ्रू जो होता है एडमिशन होता है, आईसीआर से कर सकते हो, स्टेट लेवल के से कर सकते हो, या एग्रीकल्चर में कहीं से भी अगर होता है, किसी प्राइवेट कॉलेज से भी अगर करना कर सकते हो एग्रीकल्चर, तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि तो उसका डिमांड जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा होता है। तो प्राइवेट में, प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या दूसरा इसका मतलब सप्लीमेंट जो इसका ब्रांच सब होता है उसमें कर सकते हैं, तो वो एकदम आंख बंद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, प्राइवेट में बायोलॉजी दिक्कत नहीं। अगर मान तो ये भी नहीं किया तो यार बीएससी बोटनी से जल्दी से ऑनर्स कर लेना, है ना, बीएड कर लेना, टीचर बन जाओगे, टीचर का इसको बहुत डिमांड है, बायोलॉजी खूब डिमांड है, बीएससी का एमएससी कर लेना, बीएड कर लेना, तो टीचर बन जाओगे, अच्छा सा इसको बहुत अच्छा है। फिर भी नहीं कुछ करने का मन है तो बहुत सारा है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो एएनएम जीएनएम का कोर्स कर लेना, ठीक है, किसी एक चीज पे पर्टिकुलर फिक्स होकर नहीं जाएगा। याद रखना कन्फ्यूज नहीं होना है, ऐसा ब्रांच चूज करना है 12th के बाद, ऐसा चीज चूज करना है जिससे आपके 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद लाइफ सिक्योर। बिहार के जो मैंने देखा है कि बिहार के जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बेचारे बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज करते हैं आपके लिए, बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हो, तो फिर उसके बाद पैसा खर्च करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो वो भी अपसेट, तुम भी डिप्रेस्ड, 4 साल 5 साल के बाद तुम नौकरी के लिए खोजोगे, फिर वही जनरल कंपटीशन में आओगे, बैंकिंग में इतना भीड़ में आओगे, तो फिर क्या फायदा, अभी उस भीड़ में चले जाओ यार, है ना, अभी उस भीड़ में चले जाओ। नहीं, अगर आपका मन है बीपीएससी करें, कुछ सिविल पार्ट हो जाए, है ना, सिविल डिपार्टमेंट में जाए, तो 12th के बाद सीधा नॉर्मल ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट हो जाओ, हिस्ट्री ऑनर्स ले लो, पॉलिटी ऑनर्स ले लो, और 3 साल ये पढ़ो, है ना, पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाओ, क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक, 5 साल के बाद बीपीएससी का और यूपीएससी के एकदम उसके लेवल हो जाओ, है ना। तो बहुत सारे चीज हैं जो आपके, हाँ करना वही चीज जो तुम्हारा इंटरेस्ट करता है, याद रखना, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जिस चीज में है वही चीज में ज्यादा आप करियर बनाने की कोशिश करना, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट मत जाना, ऐसा कोर्स कभी ज्वाइन करना मत करना जो तुम्हारे पसंद का नहीं है, जिसको तुम लाइक नहीं करो, क्योंकि वह तुम्हारा फ्यूचर कभी नहीं बना पाएगा। अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही डिसाइड करना किस कोर्स में आपको जाना है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सारे कोर्सेस, सारे कॉलेज का नाम, उसका फी स्ट्रक्चर कहाँ का है सब मैं बना के दूंगा, रियल रियल के सब बना के दूंगा, ठीक है, उसको देख करके बताओ कौन सा कोर्स बेहतर है ना, अभी के समय के हिसाब से जो आपको करना चाहिए, उसको देख करके विचार करना। तब तक एकदम चिल करो, एंजॉय करो, एकदम खूब खाओ, खूब अभी मस्ती करना, रियल का वेट करना, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।